मजदूर को आपके पास भेज देंगे। क्या तो तुम हमें कुएं में फेंकना चाहते हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं नहीं ऐसा मत करो, हम हमारी जान के बदले तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलवाएंगे। इनाम नहीं सकता चाहिए, नवाब का वारिस होगा तो हुजूर की मौत के बाद ताज के फैसला हमारे हक में होगा। छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। कहानी आली, अब दिल नहीं मानता, दो दिन और गुजर गए। बेगम, शहजादा पहली मर्तबा शिकार के लिए गया, हम क्या बताएं? फिर समद खान और शेर खान भी उसके साथ हैं। जिले कुमारी, समद खान और शेर खान बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, उन्हें फौरन भेज दो। या अल्लाह खैर हो। सरकारे आले, हमारे मुंह में खाक, कहते हुए हमारी जबान रुकती है कि साहिब आलम, साहिब आलम। क्या हुआ साहिब आलम? साहिब आलम हमसे बिछड़ गए। बिछड़ गए? अल्लाह, हमने सारा जंगल छान मारा मगर उनका कहीं पता नहीं चला। और तुम ये मनहूस खबर सुनाने यहाँ हमारे सामने चले आए? हमारी किस्मत में बदनामी का दाग लिखा था, हुजूर ये तलवार आज शहजादे के बदले हमारा सर कलम कर दीजिए। लगता है कोई साहिब आलम की ताक में ही था, एक हिरन के पीछे दौड़ते हुए साहिब आलम बहुत दूर निकल गए। जख्मी हिरन तो मिल गया लेकिन साहिब आलम लापता हो गए। तो फिर ये साजिश किसने की? किसने? और कौन हो सकता है? वजीर असदुल्ला को बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका और कौन सा मिल सकता था? इस शक को इतनी जल्दी यकीन का जामा नहीं पहनाया जा सकता। तो फिर रजिया को भी फरामोश नहीं किया जा सकता? उसका गायब होना इस बात का इशारा है कि शहजादे से एक पल भी जुदा न होने वाली कनीज ने आने वाले वक्त की तैयारी कर ली है। ये दोनों इशारे अपनी अपनी जगह ठीक है। समद खान, तुम असदुल्ला को गिरफ्तार करके हाजिर करो, रजिया का सुराग हम लगाते हैं। समद खान, किसी भी सूरत हमें हमारा बेटा मिलना चाहिए, वरना हम नहीं कह सकते कि क्या हो जाएगा। जो हुक्म सरकार आली, हम शहजादे की तलाश में अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। मालिक के दोजा, तूने इस कनीज को दीन और दुनिया की हर नियामत से नवाजा है लेकिन आज ऐसी हवा चली है कि मेरी गोद उजड़ रही है। मेरा एक ही लाल खानदान का चराग आंधियों की जद में है। मैं आपसे दामन फैलाकर भीख मांगती हूँ। क्या हबीबे खुदा, आपके दिल भर इमाम इब्ने इमाम जाफरे सादिक के सदके में मेरे लखते जिगर को सलामत उसकी माँ तक पहुँचा दीजिए। अरे भाई, जरा इधर तो आना। आप कौन हैं? क्या बताएं भाई, जिनके घर में दावतों का हुजूम रहता था आज दो दिन से भूखे हैं, अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ, क्या क्या तुम रहम कर सकते हो? मेरे पास इन तरबूजों के सिवा कुछ भी नहीं और बस्ती अभी 20 कोस दूर। जो भी दे दो भाई, अगर जिंदगी रही तो इस एहसान का बदला जरूर चुका देंगे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, भूखे को खिलाने में तो बड़ा सवाब है। ये लीजिए, मेरे तरबूज हाजिर हैं। ये लो, इसके सिवा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कौन? वजीर आला? हुजूर, हुजूर आपका इकबाल बुलंद हो। हुजूर, शेर खान, तुम यहाँ भी हमें सताने को आ गए? हुक्म शाही है कि वजीर आला को गिरफ्तार करके शाही इकबाल के साथ दरबार में पेश किया जाए। लेकिन शहर बदर होने के बाद हमने कोई जुर्म नहीं किया। खुदा की कसम, हमने कोई जुर्म नहीं किया। इसका फैसला दरबार में होगा। तशरीफ ले चलिए बेगम साहिबा,
वजीर आला चलिए चलिए। सलीम मियां। बेगम साहिबा आप इस तरह बगैर इत्तला दिए तुम्हारे दरे दौलत पर हाजिर होना खिलाफ अदब तो नहीं? बेगम साहिबा आप और मेरे गरीब खाने पर तशरीफ रखिए, खादिम के लिए क्या हुक्म है? रजिया कहाँ है? रजिया क्या आपको उसके गुम होने का इल्म नहीं? वो तो कई दिनों से लापता है। और हमारा शहजादा भी कई दिनों से लापता है, शायद उसके गुम होने का तुम्हें पता नहीं। नसीब दुश्मना, क्या शहजादा आलम को भी? हाँ, और इसमें रजिया का हाथ है, ये भी साबित हो चुका है। ये आप क्या फरमा रही हैं बेगम साहिबा, मेरी रजिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो और कौन कर सकता है? पहले उसने शहजादे को अपने से मानूस किया, फिर मौका मिलते ही उसे उठा कर ले गई। मगर मेरी समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों करेगी। क्योंकि वो बेऔलाद है, औरत अपनी गोद भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। नहीं नहीं, ये इल्जाम है, खुदा के लिए ऐसा ना कहिए। कोई बाइज्जत औरत औलाद के लिए अपने खाविन को छोड़ नहीं जाती। जिस मुसीबत में मेरी रजिया गिरफ्तार है, जरूर उसी मुसीबत में शहजादा आलम भी फंसे होंगे। मेरे ख्याल में ये कोई सियासी चाल है। धोखा देने की कोशिश ना करो, तुम्हारी इज्जू मैंने गुफ्तगू से तो पता चलता है कि तुम भी साजिश में शामिल हो। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं अल्लाह और उसके रसूल को बीच में रखकर कसम खाता हूँ कि इस वाकये से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुम्हारा इस तरह खामोश रहना हमारे शक को यकीन में बदल रहा है। ठीक है, मुझे कुछ वक्त दीजिए बेगम साहिबा, ताकि मैं अपने और रजिया के सराए हुए इल्जाम को दूर कर सकूं।